नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीर बहादुर चौहान। हम गाजीपुर जनपद के एक ऐसे शख्सियत से आज मिलवाना चाहते हैं आप लोगों को, जो यहां के राजनीति में या यहां के आंचलिक क्षेत्रों में आसपास की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। शिक्षक जीवन से लेकर के और राजनीतिक जीवन तक इनका बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस क्षेत्र में। ये अपने आप को नेता कहलाने से बेहतर एक शिक्षक के रूप में, एक मास्टर साहब के रूप में कहलाया जाना पसंद करते हैं। हम इनसे बात करते हैं एक शिक्षक जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में उनके थोड़ी सी इस यात्रा के बारे में। शुरुआत तो आपका सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षक जीवन से शुरू हुआ या छात्र जीवन से ही शुरुआत हो गई थी? दरअसल अभी चल रहे राजनीति चलते जी, मैंने इंटरमीडिएट विज्ञान की शिक्षा नेशनल इंटर कॉलेज मस्टी से प्राप्त किया था। सन 1967 में शुरुआत तो 66 में हो गई जी। स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने गोवध आंदोलन को लेकर के एक लंबा जी आमरण सन किया था जी, और 67 में बोट क्लब पर साधु संतों के ऊपर गोली, इंदिरा जी की सरकार थी चली, लोगों का कहना था कि हजारों साधु सन्यासी मारे गए। अब विद्यार्थी जीवन में बात ग्रामीण अंचलों में पहुंची तो एक भावनात्मक लगा। उस जमाने में गांव की गलियों में भी विद्यार्थी छोटे छोटे लड़के एक साथ नारा लगाते थे कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। तो इस आंदोलन में बहुत कुछ जानकारी तो नहीं थी, लेकिन भावनात्मक रूप से मन जो है इस नारे के प्रति आकर्षित हुआ। थोड़े दिन के बाद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उन दिनों तहसील मोहम्मदाबाद के प्रचारक थे, रमान जी उनका क्या नाम था, जगदेव जी, और मेरे गांव पहुंचे और मुझसे संपर्क किए और आरएसएस के बारे में उन्होंने चर्चा की। हेलो, विस्तृत इतिहास बताने का काम किया। विद्यार्थी जीवन का वह स्वर्णिम काल था मेरा, और प्रभावित होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का अवसर मिला। तो इंटरमीडिएट के बाद बीएससी में इलाहाबाद एडमिशन लिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही मुझे बिहार जाना पड़ा और जैन कॉलेज आरा में मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। तो ये जानना चाहते हैं मैडम साहब कि क्या उस दौरान स्नातक जब आप कर रहे थे तो छात्र राजनीति तो उस समय भी चरम पर रहती थी? एक छात्र राजनीति थी, लेकिन चुनावी राजनीति में मैं था नहीं। विद्यार्थी परिषद से वही संपर्क हुआ और विद्यार्थी परिषद के संपर्क के परिणाम स्वरूप काफ़ी काम हम लोगों ने 69 के चुनाव में तो हम लोग जानते हैं कि एक जो गाजीपुर जनपद स्थित आदर्श इंटर कॉलेज है, इसके बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित शिक्षक के रूप में, प्राचार्य के रूप में आपने ख्याति प्राप्त की थी। तो आदर्श इंटर कॉलेज के एक ऐसे शिक्षक जो बच्चों में आदर्श की भावना, आदर्श भरने का काम और उनके अंदर चरित्र का निर्माण करने की भावना के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं कि आपके बारे में लोगों का कई किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, तो इसके बारे में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि शिक्षक जीवन की शुरुआत से कैसे हुई और किस तरह से आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए? सन 1974 में गाजीपुर स्थित आदर्श सेंट्रल कॉलेज महुआ बाग में 12 अक्टूबर 1924 को प्रवक्ता हिंदी के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। उस कॉलेज का पहला मैं प्रवक्ता हुआ। इस नाते उस जमाने में विद्यालयों में कोई वाइस प्रिंसिपल का पद नहीं था, पहले तो हुआ करता था, लेकिन प्रिंसिपल के न रहने पर प्रिंसिपल के दायित्व का निर्वहन करने का अवसर सीनियर मोस्ट प्रवक्ता को ही प्राप्त हुआ करता था। दरअसल मेरे बड़े पिता थे आदर्शवादी, एक अच्छे कृषक थे और परोपकार ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इस धारणा को वो निश्चित रूप से पूरी जिंदगी इस बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने निभा दिया था। उन्होंने कथाओं के माध्यम से एक बात मेरे मन में बैठा दी थी कि व्यक्ति जीवन में वही सफल होता है जो समय का पाबंद होता है।
अनुशासन प्रिय होता है। उसका परिणाम रहा है विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक, यदि 12:03 पर किसी कार्यक्रम में पहुंचना है तो शायद तुमने भी देखा होगा कि 12:03 पर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं होगा जो परिचित इस विषय से नहीं होगा। आपका समय का पाबंदी बहुत जबरदस्त। जब 9:55 पर मैं महुआ बाग सड़क पर पहुंच जाता रहा पूरी जिंदगी तो लोग जानते थे कि अब 10 बजने वाला है। बिना घड़ी देखे लोग ये मान लेते थे कि एक संस्कार पारिवारिक मिला था और पूरी जिंदगी मैंने इसको शिद्दत के साथ इसका पालन करने का प्रयास किया। उमर साहब, अब एक और जानना चाह रहे थे कि जैसे शिक्षक के दौरान तो एक शिक्षक को बहुत कठिन होता है राजनीति में उतरना, क्योंकि उसके बारे में एक अलग तरीके की लोगों के अंदर धारणाएं बन जाती हैं, लेकिन फिर भी तो पदार्पण कैसे हुआ राजनीति में और किस तरह? 1978 में मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक गाजीपुर नगर का नगर संघ चालक बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 80 में जब जनता पार्टी के विखंडन के पश्चात पूर्ववर्ती जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की, और 80 में जब सदस्यता अभियान पूरा हुआ तो भाई जसवीर सिंह जी जनपद के निर्वाचित अध्यक्ष हुए, और उन दिनों जिला से लेकर प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक पार्टी में एक ही महामंत्री हुआ करता था जी। तो मैं उनके 7 महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। राजनीति मेरा पेशा नहीं था, राजनीति मेरा शौक था, और परिणाम क्या हुआ कि विद्यालय जीवन में 9:55 से 3:55 तक कभी मैंने समझौता नहीं किया। 3:55 के बाद अर्थात 4 के बाद ही मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ होता था, शुरू होता था, और 9:55 के पहले मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करता था, और चाहे जिला जनपद का कोई अधिकारी हो, कलेक्टर, SP, कोई अधिकारी हो या छोटा बड़ा कर्मचारी, सभी ने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ स्वीकार किया कि विजय शंकर राय अध्यापकी जीवन से कोई समझौता नहीं कर सकते। प्रारंभिक दौर में तो बहुत सारी कठिनाइयां आई इसका निर्वहन करने में, कभी कभी रिश्ते जो होते कुछ लोग कहते थे कि मैं पार्टी के लिए इनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार, लेकिन 10 से लेकर 4 तक कोई काम आ जाए तो नहीं करते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों को कुछ शिकायत रहती थी, लेकिन धीरे धीरे जनपद के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, जब ये तनख्वाह लेते हैं जिस काम का, उस काम को ये महत्व देते हैं। परिणाम क्या हुआ, पूरा जनपद इस बात से अपने को समायोजित कर लिया कि हमारा काम 4 के बाद, चाहे वो रात के 1 जाए 12 जाए। अब उस जमाने का कलेक्टर और SP जो है रात को 1 भी लोगों से मिलने का काम करता था। कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई जिंदगी में। जीवन में तमाम नैतिक चरित्र को स्थापित करते हुए एक दौर ऐसा भी आया जब मास्टर साहब को राजनीतिक क्षेत्र का वो मुकाम, जब एक राजनीतिक शुरुआती व्यक्ति को होती है विधानसभा चुनाव लड़ने की, हम लोगों ने सुना, तो एक ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव में भी अपने चरित्र के दम पे, अपने व्यक्तित्व के दम पे ही वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि उस काल में जो इनका संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी है, और उस दौरान अभी उसका शुरुआती काल था, शुरुआती चरण था, उत्थान काल अभी नहीं आया था। ऐसी स्थिति में कैसे उन्होंने असफलताओं दर असफलताओं के बावजूद उस राजनीति में सेवा भाव को अपने नहीं छोड़ा, इसके बारे में मास्टर साहब से जानना चाहेंगे, जरा बताएंगे। दरअसल पार्टी 1980 के 6 अप्रैल को गठित हुई और 80 में ही चुनाव आ गया। उन दिनों पार्टी का विस्तार नहीं था तो प्रत्याशी भी नहीं मिलते थे। मोहम्मदाबाद विधानसभा से कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो विवश होकर के मुझे स्वयं चुनाव लड़ना पड़ा। व्यक्ति की सफलता असफलता की बात नहीं थी, संगठन का विस्तार कैसे होगा, उस कालखंड का कार्यकर्ता और नेता एक दिशा में सोचते थे। अब जिसको कह दिया जाता था कि तुमको चुनाव लड़ना है तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार कर लेता। दुर्भाग्य से मोहम्मदाबाद क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था, तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। अब जब चुनाव लड़ना पड़ा तो पार्टी ने कहा कि अगला भी चुनाव आपको,
लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई सन 1985 में कि कहा गया कि वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए नहीं लड़ सकता। तो व्यक्तिगत कठिनाइयों के चलते मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो कोई नहीं लड़ा जी। मोहम्मदाबाद में खाली रही, खाली रहा लाख प्रयास में, खाली रहा से 85 में। पचासी में अब कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, पर 89 में मैंने चुनाव लड़ा। और लोग कहते हैं कि बिना पैसे का चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अकेला राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं जो कहता रहा है कि चुनाव में पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। और किसके समय लड़ा गया पूरा जनपद जानता है, धन बल बाहु बल के खिलाफ मोहम्मदाबाद। तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे आप, और हम लोग सुनते आ रहे हैं कि आंचलिक क्षेत्रों में इधर भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में आपका जितना योगदान रहा है उतना पूरे जनपद में मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने किया है। तो उस दौरान में भाजपा का इस तरह का काल नहीं था, राष्ट्रवादियों का ठीक था, राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनप रहा था, लेकिन इस तरीके का भाजपा का कोई स्थापत्य माना कि जनपद में भाजपा का विस्तार जनसंघ का विस्तार नहीं था, लेकिन निष्ठावान भले ही मुठ्ठी भर कार्यकर्ता हूँ लेकिन मूल तो था। दरअसल यदि कोई कहता है कि मैंने पार्टी खड़ा किया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा अहम का भाव। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर लगन थी, लेकिन ये कार्यकर्ता आग थी जी। मैंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उस आग को ठीक से प्रज्वलित करने का काम किया, चाहे इसके लिए मेरा श्रेय हो, लेकिन मूल कारण तो कारक तो कार्यकर्ता था। हुआ कैसे, अब जैसे 4 बजे के बाद रात भर अपना हुआ करता था, जब रात को कासिमाबाद में कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ गई तो फिर तो कासिमाबाद में रात बीतेगी, चाहे वो संघर्ष के रूप में बीते चाहे नारेबाजी के रूप में बीतता था। कार्यकर्ताओं में यह विश्वास पैदा हुआ। दरअसल एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज भी मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे चुनाव लड़ना पड़ता है तो हमारा निजी पैसा बहुत कम खर्च होता है, सारा का सारा पैसा कार्यकर्ता का रहता है। कार्यकर्ता ही मेरा अपना झंडा बनाता था, कार्यकर्ता ही बूथ का प्रबंध करता था, कार्यकर्ता ही अपने चलने का आश्चर्य होगा वीर बहादुर तुमको, जब सन 1980 में जब चुनाव लड़ा, गाड़ी छकड़े का प्रबंध नहीं था, तो जब मेरा कारवां निकलता था तो 100-150 युवा कार्यकर्ताओं की टोली निकल जाती थी साइकिल पर। श्री कॉमरेड सरजू पांडे का जो संगठन था ना, अरे राजनीति के इस इलाके के गाजीपुर जनपद के बटवृक्ष थे, किसी पौधे को पनपने नहीं दे सकते थे। एक तरफ सरजू पांडे, एक तरफ कांग्रेस, माने कांग्रेस का लीडर नहीं, कांग्रेस संगठन थी, बस संगठन था, कांग्रेस का बड़ा नाम था, लिहाजा विधायक हो जाते थे लोग कांग्रेस के नाम पर, लेकिन सरजू पांडे का व्यक्तित्व ही संगठन था। उनके सामने खड़ा होना दिन में सूरज को चिराग दिखाने के बराबर, लेकिन वारे कार्यकर्ता में तुरंत उन्हें कर दिया कमाल कि सरजू पांडे के गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा कोई सवरण नहीं गाड़ा था, वो बैकवर्ड के चाहे वो चौहान हो चाहे राजभर हो, श्रीमान सरजू पांडे ने उस वक्त कहा था कि विजय शंकर जब तूने मेरे गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, तो आने वाला भविष्य गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। आज तुम देखी रहे मतलब अब एक और बात कि तब की राजनीति में और आज की राजनीति में थोड़ा बहुत अंतर तो बहुत आया होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि तब की राजनीति किस तरह से थी और आज की परिस्थितियां क्या होगी संगठन के दृष्टि से भी। संगठन के दृष्टि से तुमको बताऊं कि एक बार सादात के कार्यकर्ता थे केदारनाथ गुप्ता, उस जमाने की बात मैं कह रहा हूँ जी, ब्रह्मबस अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी, हत्या दूसरे की करना चाहते थे, ब्रह्मबस उनकी हत्या कर दी रात के अंधेरे में। अब उनकी हत्या के पश्चात कार्यकर्ताओं ने किसी बड़े नेता की बात, उनका दाह संस्कार, उनकी शव यात्रा सादात से मणिकर्ण का घाट वाराणसी तक गए, दाह संस्कार के बाद उनकी सब क्रिया हुई,
उस समय मैं वैसी में हुआ था ना, उस समय मैं बैठक लेने सादात, सादात के कार्यकर्ताओं ने एक प्रश्न मेरे सामने रखा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, श्रीमान केदार गुप्ता जी की, उनकी दो निराश्रित बेटियां, एक की उम्र 4, दूसरे की है 6, तो उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। विचार विमर्श में ये तय हुआ 1000 रुपया उन दोनों के नाम जमा किया जाए। ये कार्यकर्ताओं का विचार था, महामंत्री के नाते मेरा एक प्रश्न कार्यकर्ताओं के बीच में आया कि कोई कार्यकर्ता किसी से, चाहे जेई हो, चाहे एई हो, चाहे धन्ना सेठ हो, उससे 1 रुपया नहीं। आश्चर्य होगा आज के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं ने 1-1 रुपया, 2-2 रुपया इकट्ठा करके 51,000 रुपया उस जमाने में इकट्ठा कर लिया। ये थी भावना संगठन। और परिणाम हुआ कि फिर जब कार्य समिति की बैठक हुई या ब्लॉकों की बैठक हुई, तो कार्य बहुसंख्यक इच्छा ये थी कि इस धनराज को राजमाता विजया राशि सिंधिया के हाथ से उनकी धर्मपत्नी को समर्पित किया जाए। मैं गया लखनऊ जी, कार्यालय पहुंचा, माधव बाबू से मुलाकात, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी, जो सारा कार्यकर्ता माधव बाबू कहता था, मैंने अपनी बात रखी। अचानक उन्होंने कहा कि विजय शंकर जी, राजमाता मीराबाई गेस्ट हाउस में है, अब वो बमरौली एयरपोर्ट के लिए पहुँच ही रही होंगी, वहाँ चलिए चला जाए। तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कार्यकर्ताओं में आदर्श जी, अरविंद किशोर शाही भी कार्यालय पर आ गए लखनऊ में, हम तीनों गए। और पहली बार मैंने जिंदगी में एयरपोर्ट के अंतर्गत प्रवेश किया था जी, और राजमाता बैठी हुई थी, वो लाल खट वाली चेयर थी, दूर से ही मैंने देखा, मुझे लगा कि मैं साक्षात सरस्वती का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। गौर वर्णा जी, उच्च ललाट, ललाट पर चंदन का टीका, श्वेत वस्त्र में। तो राजस्थान से नहीं, मध्य प्रदेश एरिया था ना उन लोगों का, तो उससे बाहर भी उनका उसी तरह से प्रभाव था। हाँ, जनपद पूरा राष्ट्र का कार्यकर्ता उनको राजमाता के रूप में ही स्मरण करता था, और जब कोई कार्यकर्ता उनसे बात करता था तो ऐसा ही लगता था कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, इतना स्नेहिल स्वभाव था। वहाँ माधव बाबू ने मेरा परिचय, मेरे अबाउट 34 बरस या 32 बरस की मेरी उम्र थी, और माधव बाबू ने परिचय कराया था, राजमाता जी विजय शंकर राय जी हमारे गाजीपुर के, वो वाक्य मुझे आज भी याद है, हमारे गाजीपुर जनपद के तेजस्वी और मनस्वी महामंत्री हैं, आपसे कुछ बात करेंगे। राजमाता ने कहा कि हाँ महामंत्री जी, बात शुरू करिए। मैंने कहा कि राजमाता आपको गाजीपुर चलना है। राजमाता पहली बार मुझे देखी थी, मैंने भी राजमाता को निकट से पहली बार देखा था। राजमाता ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी शायद ध्यानेंद्र सिंह जी, उनके मंत्री थे, जुआ थे, उन्होंने मोटी डायरी पलटी और कहा कि कोई तिथि खाली नहीं है, जहाँ जब मांगी जा रही थी। मैंने कहा राजमाता, मैंने कहा ना कि आपको गाजीपुर चलना है तो चलना ही है, सुनिए। एक अपना कार्यकर्ता था ब्रह्मस, उसकी हत्या हो गई, बहुत गरीब था, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई का 1-1 रुपया एकत्र किया, 51,000। जैसे ही मेरी बात सुनी ना, मानो उनको बिजली का करंट लग गया, कहा अवश्य चलूंगे। माधव बाबू, ये तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा अद्भुत कार्य नहीं हुआ है, अद्भुत कार्य करने वाले गाजीपुर के कार्यकर्ताओं को मैं 1 बार नहीं 100 बार प्रणाम करती हूँ। उन्होंने कहा अवश्य चलूंगे, हाथ जोड़ते उन्होंने कहा कि राजमाता, राजमाता ने कहा महामंत्री जी, विजय शंकर जी, एक मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा हाथ नीचे करिए, भगवान की कसम कह रहा हूँ। उन्होंने हाथ नीचे किया, मैंने कहा कि हाथ जोड़ती हैं, माँ अपने बेटे को आदेश करेगी कि हाथ जोड़ेगी, हम कार्यकर्ता आपके पुत्र की भांति हैं, आदेश करिए। तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम ऐसे बनाइएगा कि विश्वनाथ जी का दर्शन वाराणसी में हो जाए। मैंने कहा इच्छा की पूर्ति होगी। विश्वनाथ दर्शन करा करके हम लोग रजवाड़ी में पहला स्वागत गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने किया, सैदपुर से होते हुए, नंदगंज से होते हुए गाजीपुर आई और सीधे मोहम्मदाबाद उनको लेकर शहीद पार्क में।
लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। कासमाबाद के बहुत सारे कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्राली से मोहम्मदाबाद आ रहे थे। मोहम्मदाबाद पहुंचने वाला ट्रैक्टर ट्राली पलट गए, एक कार्यकर्ता की दर्दनाक मौत हो गई, स्वर्गीय राम वृक्ष चौहान की, और दर्जन भर से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। इस दुख भरी स्थिति में भी सभा की गई और उसके पश्चात जो है हम लोगों ने आम घाट पर की विशाल सभा में राजमाता के हाथ 51,000 रुपये का ड्राफ्ट जो है उनकी धर्मपत्नी को अर्पित कराया गया। उसके बाद तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजब काम किया, दुनिया का कोई राजनीतिक संगठन का ऐसा नहीं किया हो। गाजीपुर की बात कह रहा हूँ, राम वृक्ष चौहान की मृत्यु के बाद कार्यकर्ताओं ने तय किया कि उनका एक पुत्र था एक पुत्री, संपन्न आदमी थे, करीब 14 बीघा खेत उनके पास था, उनकी बेटी के नाम से हम लोगों ने कार्यकर्ताओं ने 25,000 रुपया समय में 25,000 बहुत हुआ करने। अरे इतना नहीं, गाजीपुर के कार्यकर्ताओं ने किया, गाजीपुर का इतिहास यदि लिखा जाएगा और सही से लिखा जाएगा तो हिंदुस्तान में गाजीपुर का जोड़ कोई जनपद नहीं। ये दो घटनाओं का उल्लेख तो किया है ना, जरा तीसरी सुनो। एक प्रेमचंद गुप्ता हुआ करते थे जिला मंत्री, एसपी दफ्तर के सामने भाषण करते हुए उनका हार्ट फेल हो गया। उनकी धर्मपत्नी को 51,000 रुपये का कार्यकर्ताओं ने धनराशि इकट्ठे करके दी। आगे चलो ना, एक गरीब कार्यकर्ता था लेकिन था बड़ा दिलदार, गाजीपुर नगर को एक सूत्र में पिरोने का काम करने में अंग भूमिका अदा की थी, रमेश चंद्र गुप्ता। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार था तो उसके नाम भी जो है 51,000 रुपया कार्यकर्ताओं ने, किसी धन्ना सेठ का नहीं, किसी बड़े तस्कर नेता का पैसा उसमें नहीं था, केवल कार्य ऐसा था गाजीपुर का कार्यकर्ता उस दोनों अभी अभी आज के परिस्थिति में। और उस पर टिप्पणी करना तो मैं उचित समझता नहीं, केवल एक बात कहना चाहता हूँ वर्तमान काल के कार्यकर्ताओं नेता मित्रों से। कार्यकर्ता मित्रों नेता मित्रों याद रखना, वर्तमान बड़ा कष्टकारी होता है क्योंकि संघर्ष झेलना पड़ता है, भविष्य काल की स्मृतियाँ बड़ी सुखकारी, कल्पनाएं बड़ी सुखकारी होती है, लेकिन वह परिवार वह संगठन यदि भूतकाल की अपनी स्मृतियों का चिंतन नहीं करता, माना कि महल बड़ा आलिशान है, चमकता हुआ कंगूरा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उस कालखंड के कार्यकर्ता रूपी ईंट का स्मरण नहीं किया तो संगठन टिकाऊ नहीं हो जाता है, बिखरा हुआ जाता है। एक ऐसे समर्पित कार्यकर्ता के रूप में श्री विजय शंकर राय जी रहे, जो क्षेत्रों में आंचलिक क्षेत्रों में घूम घूम करके प्रवास कर करके गुड़ रोटी और अन्य गरीब से गरीब घरों में रह करके प्रवास कर करके और वहाँ संगठन को खड़ा किया, और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह से स्थापित हुई है ये कहीं ना कहीं इसका झलक गाजीपुर जनपद में पहले ही मिलने लगा था। मार साहब इतना जानना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सफलता हुई उत्तर प्रदेश में, पहली सफलता कार्यकाल तो कल्याण सिंह जी का ही बना ना पहली सफलता, तो क्या कल्याण सिंह जी से भी कुछ मुलाकात हुई, उनसे सहयोग इधर इस क्षेत्र के विकास में लिया गया या परिचय भी कभी हुआ? नहीं, कल्याण सिंह के जमाने में कार्यकर्ता सीधे उनसे मिलता था ना जी, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं थी। और कल्याण जी और कल्याण सिंह की एक ऐसी टीम थी, ये परिस्थितियों का तकाजा है। अंतिम प्रश्न ये है कि शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा है आपके संघर्ष की कहानी को, और राजनीतिक जीवन में आपने इसको एक आयाम नहीं माना कि हम सफल होंगे तभी लोगों की सेवा करेंगे, तो अभी क्या भविष्य में भी राजनीति में हम लोगों की इच्छा है कि यहाँ से आप लड़ें चुनाव में, लेकिन क्या अगर संगठन टिकट दे तो क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र चुनना चाहेंगे? हम लोग भी चाहते हैं कि चुनाव एक बार लड़ें। दरअसल चुनाव तो कभी कभी होता है ना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो रोज चुनाव लड़ना पड़ता है। उदाहरण लो, ये तो बहुत सारे लोगों का इतिहास नहीं ना ऐसा, बहुत सारे लोग आपका है तो इसलिए जरा देखो आज की तारीख है 11 सुना है ना, राजेंद्र यादव एक ऐसे गांव में है, यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र यादव जी के दरवाजे पे,
और ये ऐसा ऐसे जगह हम लोग रसूलपुर ग्राम सभा में हैं और इस ग्राम सभा में भाजपा को स्थापित करने का श्रेय आदरणीय श्री विजय शंकर राय मार साहब को जाता है जब आप जिला अध्यक्ष थे। तो अब बताएंगे थोड़ा जी महामंत्री। दरअसल श्रेय मुझे नहीं जा रहा है, श्रेय तो बहादुरगंज के उस पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को है जिनके सूचना। अब बताओ उन दिनों संचार व्यवस्था कैसी थी, टेलीफोनिक व्यवस्था तो थी नहीं, मोबाइल इंटरनेट का युग था नहीं। यहाँ का कार्यकर्ता जो है धन्यवाद का पात्र है। सन 1982 की घटना है इसी गांव में जिस रसूलपुर गांव सभा की बात करते हो ना, तो चिल्लू का पूरा जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे सूचना में कि एक परिवार में डकैती हुई है। हत्या भी हुई थी क्या? नहीं, हत्या तो नहीं हुई थी। मैं बैठक लेने बहादुरगंज आया तो कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि चला जाए। एक कार्यकर्ता मित्र ने कहा कि उस गांव में वोट तो मिलता ही नहीं है। मैंने कहा जब हम लोग चलेंगे तब ना मिलेगा। जून के महीने में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ आया था नदी को पार करके और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि बहादुरगंज जाने में इस गांव के कार्यकर्ताओं को लोगों को इतना कर कालांतर में पुलिया बन गई। अब राजेंद्र यादव की माता जी इसी कोरोना काल में मर गई लॉकडाउन के समय, तो टेलीफोनिक सूचना पर इसने बताया कि मेरे माता जी का श्राद्ध है 16 तारीख को। मैंने टेलीफोनिक मोबाइल पर ही श्रद्धांजलि अर्पित कहा कि लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो निश्चित मैं आऊँगा। अब तुम ही बताओ वीर बहादुर, देख रहे हो इस कार्यकर्ता के यहाँ कौन नेता आएगा? तो आप सोच सकते हो, समर्पित होकर के सोच सकते हो कि मैं आया तो सारे कार्यकर्ता पूरा दिन अपना दे करके, काश इसी प्रकार सारे नेता उस झोपड़ी में जहाँ जिस कार्यकर्ता ने जीत की भावना सब कर दिया। दुर्भाग्य है कि आज हम ऐसा नहीं चल पाएगा। संगठन यदि अवसर देता है तो क्यों रामायण बाबू, संगठन अवसर दे तो मुझे नहीं लगता है कि कार्यकर्ता अपने कंधे पर बिठा कर विजय शंकर राय को चुनाव नहीं लड़ा देगा। कल भी विश्वास था, आज भी विश्वास है। और जहाँ जातिगत समीकरण का ना, तो अब राजेंद्र यादव कोई सवर्ण तो है ना। और यहाँ देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ इन लोगों से थोड़ा सा एक बाइट लेंगे कि कैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। हालांकि लोगों में चर्चा का विषय आज होता है, आज राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, लोगों ने जाति पाति की भावना के आधार पर वोट देना शुरू किया और इससे कुछ राजनीतिक पार्टियों को लाभ भी है कि वो राजनीतिक जातीय भावना भड़का करके उनका वोट लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदरणीय विजय शंकर राय मार साहब इस ग्राम सभा में, तो हम लोगों को भी पता है कि इस ग्राम सभा में और इधर आंचलिक क्षेत्रों में बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर भाजपा को उन्होंने स्थापित किया था। तो आइए यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, श्री रामकृत यादव और श्री राजेंद्र यादव जी से। जिसे भारतीय जनता पार्टी से कब आप लोग जुड़े थे? 1984 में। थोड़ा नजदीक करिए ना, आप आवाज़ नहीं आ रही होगी। 1984 में आप लोग जुड़े थे, तो क्या कारण रहा, किस वजह से आप लोग आकर्षित हुए, प्रेरित हुए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी में काम किया जाए? ये ऐसा हुआ कि हम लोग के घर डकैती हुई थी जी, उसमें मास्टर साहब जी जाने का काम किए थे। आने का काम किए थे जी, और हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग किया जी। उसी समय से हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया जी कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी। तो आप भी उसी समय जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से या बाद में कभी जुड़ने का अवसर? जी नहीं, 1984 से जिस समय नदी इस पार जी रसूलपुर ग्राम सभा पड़ता है जी, और इस पर भाजपा का नाम निशान नहीं था जी, केवल यहाँ यादव और कुछ मुस्लिम बिरादरी है, कुछ हरिजन बिरादरी है जी। तो हर पार्टी तो थी लेकिन भाजपा नहीं थी जी। जब हमारे यहाँ डकैती पड़ी और डकैती में मास्टर साहब वहाँ से, उस समय पुल नहीं था, नदी पार कर करके और आ करके जितना हम लोगों का हर संभव मदद किया और तभी से हम लोग अजय मैंने साथ पकड़ लिए, केवल मास्टर साहब जहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे जी। तो ये हैं, आप देख रहे हैं इनको, ये श्री राजेंद्र यादव जी हैं और यहाँ पे उनके बगल में श्री रामकृत यादव जी हैं, इसी ग्राम सभा के एक युवक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने कंधों पर ढोते हैं, जो हम लोगों को भी अक्सर कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं कार्यक्रम में, चंद्रजीत यादव जी। और
इन्हीं श्री राजेंद्र यादव जी के माता जी का देहांत हुआ था। और देखिए समय मिलते ही